वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड सफर्ड एजुकेशन सेंटर आसान नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पार्ट 8 से संबंधित उसके वन वर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट 8 जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग, जो एक महान वैज्ञानिक थे। आप इस पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग कर चुके हैं और एक्सरसाइज कर चुके हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज थी सही और गलत, जिसमें आपका पहला वाक्य था स्टीफन हॉकिंग विश्व के महान चिकित्सक में से एक थे। जो वाक्य आपका गलत है, वो एक महानतम चिकित्सक नहीं बल्कि एक महानतम वैज्ञानिक थे। आप इसका करेक्शन कर लीजिएगा। आपका ट्रू एंड फॉल्स में पहला वाक्य आपका गलत है। अब आज हम इस पाठ से संबंधित वन वर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। सर्वप्रथम आप अपनी कॉपी पे डेट डालिए। आज डेट है 21 सितंबर 2020। पार्ट 8 स्टीफन हॉकिंग। आज हम आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है स्टीफन हॉकिंग के पिता क्या थे। उत्तर है वैज्ञानिक। आपका दूसरा प्रश्न है स्टीफन हॉकिंग का जन्म कहाँ हुआ। उत्तर है इंग्लैंड। आपका तीसरा क्वेश्चन है स्टीफन हॉकिंग क्या थे, महान वैज्ञानिक। आपका अगला क्वेश्चन है स्टीफन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई। उत्तर है अल्बास। आपका अगला क्वेश्चन है 1959 में स्टीफन ने किस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उत्तर है ऑक्सफोर्ड। आपका अगला प्रश्न है स्टीफन हॉकिंग ने किस विषय को अपने शोध के लिए चुना। उत्तर है भौतिकी। आपका अगला क्वेश्चन है स्टीफन हॉकिंग किस बीमारी से पीड़ित हैं। मोटर न्यूरॉन। आपका अगला क्वेश्चन है स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी पुस्तक का क्या नाम है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आपका अगला क्वेश्चन है 37 वर्ष की आयु में स्टीफन हॉकिंग किस पद पर नियुक्त हुए। उत्तर है लुकासियन प्रोफेसर। आपका पार्ट 8 से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है अपनी पुस्तक के माध्यम से स्टीफन ने किसके रहस्य के विषय में बताया। उत्तर है ब्रह्मांड के। ये आपके पार्ट 8 से संबंधित वन वर्ड क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पार्ट से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आपकी पुस्तक में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लिखाएंगे। धन्यवाद।